हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर सीपीआईएम सरकार के समर्थन में आ खड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी को लेकर सीपीआईएम भी सरकार से सुर मिलाते हुए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठा रही है। इसी के चलते पूर्व विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में सीपीआईएम राजभवन में राज्यपाल से मिली और आपदा में हिमाचल की मदद को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राकेश सिंघा ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में केंद्र को हिमाचल प्रदेश की दिल खोलकर मदद करनी चाहिए, जो केंद्र नहीं कर रहा है। उल्टा गलत आंकड़े देकर बीजेपी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। जो पैसा अभी तक केंद्र से हिमाचल प्रदेश को मिला है, वे प्रदेश का हिस्सा बनता था, उसी को पिछले बकाया के रूप में या एडवांस दिया गया है। केंद्र को हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान के लिए 10,000 करोड़ की राशि जारी करनी चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय को विनती की है उनसे कि देश के प्रधानमंत्री से जिस भी रूप में निजी तौर पर या संविधान के तहत जो भी तौर तरीका वो उचित समझते हैं, हमारी दर्द और हिमाचल प्रदेश की पीड़ा को उनके दरबार तक पहुंचाएं। 200 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है आपने, वो भी एडवांस पैसा है। काय का है? वो है जो एनडीआरएफ का पैसा है। मैं सेब अपना आरती को बेचता हूँ और उसे मैं अगर एडवांस पैसा ले लेता हूँ, पहले पैसा ले लेता हूँ, तो वो कोई आरती मुझे फेवर नहीं कर रहा है। वो उस पैसे का दाम है जो मैं बाद में देता हूँ, पैसा पहले आ जाता है। तो यही राहत के रूप में आया है। जो 380 करोड़ रुपया हमें एसडीआरएफ में मिला है, वो वही पैसा है जो 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें सन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए निर्धारित किया था। उसमें राहत क्या मिली है? एक किस्त 180 रुपए करोड़ की वो एडवांस में दे दी है, वही राहत है। एडिशनल पैसा, एक नया पैसा नहीं मिला है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक एडिशनल पैसा नहीं आएगा, हम हिमाचल प्रदेश को जिस रूप में था त्रासदी से पहले, उसको उस रूप में रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर 10,000 करोड़ रुपए का एक्चुअल लॉस हुआ है, तो वन टाइम रिलीफ के रूप में 10,000 करोड़ रुपया दिया जाए। बता दें कि प्रदेश में हुई भारी तबाही के बाद जहां प्रदेश सरकार लगातार केंद्र से राहत राशि देने की बात कह रही है, तो वहीं अब सीपीआईएम ने भी सरकार के समर्थन में उतरकर मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्या समाचार।